हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों हमारे चैनल में हिंदी व्याकरण की एक सीरीज़ शुरू की गई है जिसमें कि आपको कंप्लीट हिंदी कवर करवाई जाएगी देखिए हिंदी की अभी तक तीन वीडियो आ चुकी हैं तीन वीडियो में हमने सबसे पहले हिंदी बेसिक के बारे में पढ़ा आपकी परीक्षाओं में हिंदी को लेकर जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले हमने उनका अध्ययन किया वो हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को कवर किया अगर आपने अभी तक वो तीन वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में हिंदी वाले प्ले हिन्दी के नाम से बनी हुई है आप लोग वहाँ जाइए आपको तीन वीडियो वहाँ से मिल जाएंगी साथ में एम सीरीज़ भी हमने शुरू की है आप लोग उसको भी देखते रहिए बहुत अच्छे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो हिंदी के जो बेसिक प्रश्न थे हम उन पर चर्चा कर चुके हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया है आज से हम लोग शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे बच्चे हमेशा से कंफ्यूजिंग में रहते हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं तो हम लोग हिंदी व्याकरण को बहुत सटीक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि आपका जो परीक्षाओं में प्रश्न गलत हो जाता है वो गलत ना हो तो आज की जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ण वर्णमाला और स्वर और उसके भेदों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे देखिए ज़्यादा टॉपिक रखने से क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जिसमें क्या होता है कि आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता होगा तो हम लोग ज़्यादा टॉपिक नहीं रखेंगे वर्ण वर्णमाला स्वर और उसके भेदों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे देखिए कहने को तो एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पर मैंने लिखी है वर्णमाला वर्णमाला जिसको कि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर वर्णमाला में जो चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी हैं ओ आ ई ई क ख ग ग ये सब यहाँ पर काम नहीं करती हैं यहाँ पर जो पूछने का तरीका है बहुत अलग होता है वर्णमाला कहने को सिर्फ वर्णमाला है लेकिन परीक्षा में अच्छे अच्छे बच्चों के यहाँ से प्रश्न गलत हो जाते हैं उसका कारण क्या है कि वो क्या करते हैं कि इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे वर्णमाला ही तो है क ख ग ग यही सब तो है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ से दोस्तों हमेशा से ही एग्जाम प्रश्न बनता है और आगे भी बनता रहेगा आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो वर्णमाला को आपको हल्के में नहीं लेना है बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये सब समझाऊंगा चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं वैसे वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमारी बेसिक वाली हिंदी की सीरीज चल रही थी वहाँ से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर वर्णमाला है तो वर्णमाला पढ़ने से पहले हमको पहले वर्ण के बारे में जानना आवश्यक है देखिए बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ वो क्या है वो ध्वनि है तो मैं ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूँ बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है सब बता चुका हूँ पहले मैं आपको और देखिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है इसको हम लोग ध्वनि भी कहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है इसको हम लोग ध्वनि भी कहते हैं देखिए एक परीक्षा में मैंने देखा था कि एक ऑप्शन आया था कि इनमें से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है वहाँ पर ऑप्शन में धोवनी भी था वहाँ पर ऑप्शन में वर्ण भी था अब क्या करेंगे आप लोग तो उस कंडीशन में आपको धोनी में सही उत्तर लगाना है क्यों क्योंकि देखिए सबसे पहले हमारे मुँह से धोनी निकल रही है इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है धोवनी अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो धोनी करेंगे वैसे जहाँ तक दोनों आते नहीं है रेयर कंडीशन में आ गए तो आ गए लेकिन आज तक निन्ना नाइन्टी चांसेज होते हैं कि या तो एक ऑप्शन ये आएगा या ये आएगा एक ही ऑप्शन यहाँ सर से देखने को मिलता है तो वर्ण और ध्वनि एक ही है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी वर्ण या ध्वनि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते जैसे कि मान लिया यहाँ पर लिखता हूँ कौ लिखता हूँ ख लिखता हूँ गौ कुछ भी लिख देता हूँ गौ लिख देता हूँ अब बताओ आप इनके टुकड़े कर सकते हैं नहीं टुकड़े कर सकते हैं ये कौ लिखा है रो लिखा है मो लिखा है आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं इसलिए देखिए अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए उस ध्वनि को क्या कहते हैं कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते शब्द वर्ण अक्षर वाक्य बताइए आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा वर्ण और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं अगर आप इन चीजों को ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना तो आप इसका उत्तर नहीं कर सकते सही एग्जाम में क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको याद रखना है उस ध्वनी को क्या कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा उसका उत्तर क्या हो जाएगा वर्ण वर्ण क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया कौ है खौ है गौ है कौ रो मो, सब क्या है ये धोनिया है। चलिए ठीक है अब देखिए वर्ण के भेद वर्ण के भेद कौन कौन से हैं देखिए वर्ण के होते हैं दो भेद ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम बनता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं अब आपने पढ़ा ही नहीं है डीपली तो आपको कहाँ से आएगा तो वर्ण के दो भेद होते हैं एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन तो इसी स्वर को आज हमने पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से इसके कौन कौन से तो भेद होते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे और व्यंजन भी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मानक हिंदी वर्णमाला देखिए मानक हिंदी वर्णमाला में मानक हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं कितने व्यंजन हैं ये सब भी मैं अभी आप आपको बताऊंगा देखिए वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम बना हुआ है और एम वाली सीरीज में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था वर्णों के व्यवस्थित रूप या समूह को वर्णमाला कहते हैं ऐसे ही प्रश्न बना था कि इनमें से वर्णमाला किसे कहते हैं चार ऑप्शन थे उनमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप या समूह को वर्णमाला कहते हैं तो देखिए वर्णमाला मानक हिंदी वर्णमाला मानक हिंदी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन हैं वो कितने होते हैं देखिए जो मानक हिंदी वर्णमाला है अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि अलग अलग किताबों में स्वर और व्यंजन अलग अलग बताए गए हैं वो भी मैं आपको कन्फ्यूजन आप कर्ण कन्फ्यूजन आपका दूर करूँगा देखिए जो स्वर हैं मानक हिंदी वर्णमाला है वर्णमाला में वो ग्यारह बताए गए हैं और व्यंजन बताए गए हैं तैंतीस अब कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि दस लिखा रहता है कहीं कहीं पर तेरह लिखा रहता है ऐसा क्यों देखिए जहां पर तेरह लिखा रहता है वो लोग क्या करते हैं कि अंग और अह को भी जोड़ देते हैं और जहां पर दस लिखा रहता है वो लोग क्या करते हैं ऋषि को हटा देते हैं ऋषि अंग और अहो इनको हटा देते हैं तो दस आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं तेरह तो ऐसी कंडीशन रहती है ठीक लेकिन अभी हम लोग स्वर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर से समझ लीजिए उसी प्रकार से व्यंजन है व्यंजन तैतीस होते हैं उसमें दो द्विगुण व्यंजन आते हैं वो भी अभी जब व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होता है तैंतीस होते हैं वैसे व्यंजन लेकिन उसमें दो द्विगुण व्यंजन आते हैं तो उनको जोड़ते हैं बना बनाते हैं वो लोग तो इस तरीके से यहाँ पर से चीजें होती हैं लेकिन जो वास्तव में जो आपको एग्जाम में करना है वो यही करना है स्वर ग्यारह और व्यंजन तैंतीस बाकी जो अलग अलग प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे देखिए सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं स्वर का देखिए स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं अब देखिए मैं बोलता हूँ ओ मैं बोलता हूँ ओ और अगर मैं बोलता हूँ तो इस वर्ण के उच्चारण में मुझे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी अगर मैं व्यंजन बोलता हूँ क लेकिन देखिए कोई भी व्यंजन हो हर व्यंजन में एक स्वर होता है हर व्यंजन में एक स्वर होता है अगर क है तो क में क्या कौन सा व्यंजन है क में अ व्यंजन है व्यंजन को हम लोग बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं लेकिन जो स्वर होते हैं स्वर स्वरों में क्या होता है कि इसमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है यानी कि ये होते हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वर कहते हैं और स्वर होते कितने हैं ग्यारह होते हैं यहाँ पर से स्वर की आप लोग एक परिभाषा और समझ लीजिए देखिए यहाँ पर से लिखा हुआ है नीचे लिखा है थोड़ा सा देखिए जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके मैंने आपसे कहा ना जो वर्ण होते हैं ओ है आ है ई है ई इनके लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है बोलने के लिए जो व्यंजन होते हैं उनको बिना स्वरों की सहायता से हम लोग नहीं बोल सकते हैं वो जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा तो जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके स्वर कहलाते हैं अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस जो हमारी सांस है वो कंठ तालु या तालब्य दंत आदि स्थानों पर रुके बिना मुँह से सीधे निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है जब हम लोग कोई भी स्वर का उच्चारण करते हैं जैसे औ आ ई ऊ ए तो मतलब जो यहाँ पर वायु निकल रही है ना वो डायरेक्ट आपके मुँह से निकल रही है कहीं भी टकरा नहीं रही है लेकिन अब जब क ख बोलेंगे देखिए आपकी जो जो आपका मुंह कितनी जगह टकरा रहा है को ख गो खुद से आप लोग इसको बोल के देखिए तो आपका जो मुख है वो अनेक जगह टकराता है वो हमारा व्यंजन वाला टॉपिक में रहेगा कहाँ कहाँ टकरा रहा है कौन कौन सा व्यंजन या कौन कौन सा वर्ण तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वर होते हैं उनको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाएगा पहली बात आपको ये याद रखनी है दूसरा ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तीसरा स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारी सांस है वो कंठ तालु आदि स्थानों पर रुके बिना मुँह से सीधे निकलती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर कहते हैं तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया स्वर ग्यारह होते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजिंग रहता है कि ग्यारह होते हैं तेरह होते हैं दस होते हैं नौ होते हैं कितने होते हैं क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें ग्यारह स्वर ही लिखे गए हैं अब देखिए किस तरीके से लिखे गए हैं इस चीज़ को हमने समझना है जो मानक हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं ये वाले जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना ये ये हैं आपकी मानक हिंदी वर्णमाला के स्वर देखिए कौन कौन से हैं ओ आ छोटा छोटाई बड़ाई, हुँ, बड़ा बड़ाई छोटा ओ बड़ाऊ ऋषि ए आई ओ ओ ओ ओ तो ये आपकी हिंदी वर्णमाला में मानक स्वर हैं अब देखिए यहाँ पर से मैंने लिखी हैं इनकी मात्राएँ ये मात्राएं दोस्तों आपको याद करनी मात्राएं मतलब इनका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा देखिए सबसे पहले आता है औ अब बताइए औ की क्या मात्रा है देखिए औ की कोई भी मात्रा नहीं होती है ये बात आपको याद रखनी है अ जो होता है वो प्रत्येक व्यंजन के साथ चिपका होता है अ जो होता है वो प्रत्येक व्यंजन के साथ चिपका होता है आप क लिखो ख लिखो ग लिखो घ लिखो त कुछ भी लिख लो हर व्यंजन के साथ आपका अ उसके साथ चिपका रहता है तो लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है ये बात आपको याद रखनी है अब यहाँ से एक बात और आ आ गया देखिए आ की मात्रा क्या होती ये आ की मात्रा है ई की मात्रा क्या होगी ये छोटा ही और देखिए यहाँ पर से ई ऐसे लिखा हुआ है लेकिन ई की जो मात्रा होती है ना वो इस तरीके की होती है छोटा ई की मात्रा और ये यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखे हैं ये भी मैं भी आपको बताऊँगा ये बड़ा एक की मात्रा ये है ओ की मात्रा ये है बड़ा ओ की मात्रा ये है ऋषि की मात्रा ये होती देखिए ये होती है ऋषि की मात्रा ये होती है ए आई ओ औ तो इन सब की मात्राएं दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई हैं अब मैंने यहाँ पर ये मात्राएं क्यों लिखी हैं देखिए जब भी आप क्या करते हैं व्यंजनों में जब भी आप कोई मात्रा लगाते हैं तो वो यही मात्राएँ होती हैं ये देखिए है। इन्हीं मात्राओं का तो आप लोग प्रयोग करते हैं लेकिन देखिए है, ये मात्राएं निकल कहाँ से रही हैं ये मात्राएँ इन स्वरों से निकल रही हैं अब जब मान लिया आप लोग कोई व्यंजन कुछ भी व्यंजन लिखते हैं तो आप लोग क्या करते हैं जब मात्रा लगाते तो आप लोग आपको मान लिया कुछ लिखना है के लिखना है के लिखना है मान लिया अब के लिखने के लिए आप आपको ये वाली मात्रा उठानी पड़ेगी तो आप इस ए को थोड़ी उठाएंगे ए को नहीं उठाएंगे इस एक ही मात्रा को उठाएंगे व्यंजन में प्रयोग करने के लिए तो एक बात आपको याद रखनी है व्यंजनों के साथ स्वरों को चिन्ह के रूप में लिखा जाता है जो हमारे व्यंजन होते हैं ना व्यंजनों लिख लेंगे कॉपी में व्यंजनों के साथ स्वरों को किस रूप में लिखा जाता है क्वेश्चन अगर बन जाए व्यंजनों के साथ स्वरों को किस रूप में लिखा जाता है तो चिन्हों के रूप में लिखा जाता है या मात्राओं के रूप में लिखा जाता है इन रूपों में लिखा जाता है अगर हम व्यंजनों के साथ स्वरों को लिख रहे हैं तो ये मात्राएँ उसके साथ प्रयोग होती हैं ठीक है ये बात आप लोग समझ गए होंगे अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए कि हिंदी वर्णमाला में मात्राएँ कितनी होती हैं तो हिंदी वर्णमाला में ये मात्राएँ हैं कितनी हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कभी कभी अ को वैसे अ मात्रा नहीं होती है लेकिन अ हर स्वर के हर व्यंजन के साथ चिपका हुआ है तो वैसे दस मात्राएं होती हैं हिंदी वर्णमाला में तो लिख लेंगे हिंदी वर्णमाला में क्योंकि देखिए आपको ये सब पता है ये सब आपको पता ही मात्राएँ होती हैं लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग नहीं बता सकते हैं कि दस मात्राएँ होती हैं आप लोग यहाँ पर से कन्फ्यूज हो जाएंगे तो हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएँ हैं दस मात्राएँ हैं लेकिन ओ की कोई मात्रा नहीं होती है ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है आपकी परीक्षाओं में बताइए इनमें से किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है चार स्वर आपके ऑप्शन माएंगे और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ओ और मात्राएं कितनी होती हैं टोटल तो मात्राएं होती हैं कितनी दस चलिए ये बात आप लोग समझ गए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि तेरह हमारे स्वर होते हैं या दस स्वर होते हैं इनकी बात अब हम लोग कर लेते हैं ये तेरह क्यों लिखा जाता है क्योंकि बचपन से आपने पढ़ा है ना ओ आ ई ए ई ओ अंग अह सब पढ़ा हुआ है आपने ऋषि भी पढ़ा है बीच में तो आप लोग कह रहे होंगे यार बचपन में हमने इतना कुछ पढ़ा था यहाँ पर से तो ये अंग अह हटा दिए तो अंग अह जो हैं उनको मानक वर्णमाला में अयोग वहा वर्ण के उसमें रखा गया है इनको अयोग वहा वर्ण कहा जाता है किन है जो अंग और अह हैं इनको अयोग वाह वर्ण कहा जाता है परीक्षा में आपका प्रश्न बनेगा कि बताइए इनमें से अयोग वाह वर्ण कौन सा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अंग और अह इनका प्रयोग जो अह है इसका प्रयोग तो अधिकांश संस्कृत में इसका यूज होता है कैसे होता है वो भी हम लोग मतलब हर चीज़ हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे अब देखिए जो अंग है ना जो अंग है इसकी जो ये मात्रा है इस मात्रा को अनुस्वार कहा गया है और जो विसर्ग है ये है विसर्ग का चिन्ह है इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग अब देखिए मान लेते हैं कि आपकी परीक्षा में ऐसे करके प्रश्न बनता है ये देखिए मैं यहाँ पर पहले कुछ ऑप्शन लिखता हूँ मैंने यहाँ पर कंस लिख दिया मैंने यहाँ पर आँख लिख दिया मैंने यहाँ पर पाँव लिख दिया कुछ भी मैं मात्रा ऐसे लगा दे रहा हूँ अभी तो अगर आपसे ये पूछ ले तीन ऑप्शन हो मान लिया आपके ऑप्शन आपकी, आपकी परीक्षा में आपसे ये पूछ ले बताइए इनमें से किसमें से अनुस्वार का प्रयोग किया गया है इनमें किसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया बताइए तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर ऐसी मात्राएं हैं अगर आपसे पूछ ले इनमें से किसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कंस में क्योंकि जो जो अनुस्वार की मात्रा होती है वो क्या होती है ये वाली बिंदी जो ये बिंदी होती है ना ये ये जो लगी हुई है इस प्रकार से ये होती है अनुस्वार की यहाँ पर ये जो बिंदी है इस प्रकार की ये जो बिंदी है ये बिंदी क्या है, की है? अनुस्वार की तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इन तीन ऑप्शनों में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कंस में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो ऐसे प्रश्न दोस्तों यहां पर से बनते हैं फिर देखिए अगला आता है विसर्ग विसर्ग जो होता है एक ही और थोड़ा सा यहाँ पर से मैं आपको बता दूँ जो मैंने यहाँ पर चीज़ें गोले लिखे हुए थे ना ये बताना भूल गया हम आपको जो गोले बने हुए हैं छोटे छोटे ये गोले मैंने क्यों बना रखे हैं ये गोले दोस्तों कोई सा भी शब्द हो सकते हैं यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसका कहने का मतलब है जो यहाँ पर ये डंडा खींचा है कोई शब्द अगर हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पर डंडा खींचा है ना अगर इस डंडे के हम लोग कोई शब्द लिखेंगे तो इस ओर लिखेंगे यहाँ पर डंडा खींचा है तो कोई भी शब्द हम लोग इस ओर लिखेंगे इस ओर हम लोग नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर जो डंडा खींचा है यहाँ पर शब्द जो भी लिखेंगे हम लोग इस ओर लिखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पर भी ऊपर लिखेंगे यहाँ पर भी ऊपर लिखेंगे यहाँ पर बिल्कुल नीचे यहाँ पर भी नीचे यहाँ पर डंडे के इस ओर यहाँ पर भी डंडे के इस ओर तो जिस साइड को ये गोला बना हुआ है हम जो भी वर्ण लिखेंगे हम लोग इसी तरफ मतलब जिस साइड गोला है उसी तरफ लिखेंगे जैसे मान लिया ये गोला इस तरफ है तो हम लोग इसी तरफ वर्ण लिख सकते हैं इस तरफ नहीं लिखेंगे आ की मात्रा का प्रयोग करने पर तो ये चीज आपको समझनी है चलिए ठीक है तो विसर्ग अगला है विसर्ग विसर्ग आप लोग हर कोई जानते हैं विसर्ग ये होता है जैसे मैं लिखता हूँ मान लिया प्रातः प्रातः ऑप्शन आ अगर चार ऑप्शन आपके सामने आते हैं कंस प्रातः एक आ जाता है हंस मैंने एक चलो एक ऑप्शन लेते हैं हम लोग आँख आँख अब पूछेगा आपसे बताइए कि इनमें से किसमें से विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रातः में विसर्ग का प्रयोग हुआ है आँख में तो देखिए विसर्ग का प्रयोग है नहीं ये चंद्र बिंदु यहाँ पर आता है लेकिन प्रातः में विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो अनुस्वार और विसर्ग से ऐसे प्रश्न बनते हैं इनके चिन्हों को लेकर तो ये आपके जो चिन्ह है यहाँ पर लिखे हुए अनुस्वार का चिन्ह ये हो जाएगा और विसर्ग का चिन्ह ये हो जाएगा तो ये जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो अंग और अह होते हैं जिसमें अनुस्वार को ऐसे लिखा जाएगा अंग की मात्रा और विसर्ग को अह की मात्रा इस प्रकार से लिखा जाएगा अब देखिए थोड़ा सा हम लोग लो अयोगवाह वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं देखिए अयोगवाह क्या होते हैं देखिए जो योग न होने पर भी साथ रहे मतलब कि देखिए इनका ना तो स्वरों में योग है देखिए जो अनु अयोगवा हैं उनको ना तो स्वरों में जोड़ा जाता है और ना ही व्यंजनों में जोड़ा जाता है लेकिन ये फिर भी साथ रहते हैं देखिए ये फिर भी साथ रहते हैं हिंदी वर्णमाला में किस में किसमें स्वरों के साथ इनको रखा जाता है ना लेकिन इनको इनका योग नहीं होता है वहां पर इनका प्रयोग भी किया जा रहा है लेकिन ना तो इनको देखिए अंग और अहो ऐसे वर्ण हैं जिनकी गिनती न तो स्वर में होती है न ही व्यंजनों में होती है लेकिन ये फिर भी साथ रहते हैं ऐसे प्रश्न दोस्तों आ सकता है जो योग न होने पर भी साथ रहते हैं ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अयोग वह वर्ण कहते हैं लेकिन देखिए इसका जो उपयोग है वो स्वरों में भी हो रहा है और इसका उपयोग में भी हो रहा है किसका अयोग वहा वर्ण का तो यह बात आपको याद रखनी है फिर देख लेते हैं आगे आगे मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में फिर देखिए प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर होता है जैसे कि मैंने आपसे बताया ना कोई सा भी व्यंजन आप ले लो अ के बिना वो अधूरा है देखिए अगर मैं लिखता हूं क इस क में कौन सा व्यंजन है देखिए इस क को, को अगर मैं तोड़ के लिखता हूँ तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा इसमें अव्यंजन है ख में देखिए ख में भी अव्यंजन है तो हर व्यंजन में एक सॉरी जो कौ में जो है वो स्वर कौन सा है और व्यंजन नहीं होगा स्वर होगा जो कौ में जो स्वर होगा कौन सा होगा अस्वर है और जो ख में जो स्वर है वो कौन सा है वो कौन सा है अस्वर है तो जो प्रत्येक व्यंजन में अस्वर होता है क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपसे प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर होता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अस्वर होता है तो ये चीज़ें दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्वरों का विभाजन किया गया है कैसे ग्यारह ये स्वर होते हैं अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी जो अंग और अह हैं उनको स्वरों में नहीं मान के उनको अयोग वर्ण माना जाता है इसीलिए जो हिंदी वर्ण वाला में जो हमारे स्वरों की संख्या है वो कितनी है ग्यारह है और मात्राएँ कितनी हैं दस मात्राएँ हैं चलिए देखते हैं हम लोग आगे अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण है वो अनेक तरीके से किया गया है वो कैसे किया गया है देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो यहाँ पर से तीन प्रकार के स्वर हमको मिलते हैं कौन कौन से पहला मिलता है हस्व स्वर दूसरा हर्स्व स्वर बोलते हैं इसको इसको बोलने का हस्व स्वर नहीं बोलेंगे इसको बोलते हैं हर्स्व स्वर दूसरा आता है दीर्घ स्वर तीसरा आता है स्वर अब देखिए यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में देखिए हर्ष स्वर क्या होते हैं जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे अर्थात एक मात्रा का समय मतलब कि एक मात्रा का समय जहाँ पर लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं हर्ष स्वर कहते हैं और इसको एक मात्रिक भी कहा जाता है क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा कि एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग किसी वर्ण का यहाँ पर जो स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पर जो हमारे स्वर हैं उनमें कौन कौन से हरस स्वर हैं नोट कर लेंगे ओ ई e, और ऋषि ये जो हैं ये हरस स्वर हैं क्योंकि देखिए इनमें सिर्फ एक ही मात्रा है खुद की मात्रा है देखिए और अन्य कोई यहाँ पर मात्रा नहीं आ रही है इसीलिए देखिए जो हर्स्व स्वर क्या है वो एक मात्रिक हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपके एग्जाम में जैसे मान लिया ऑप्शन ऐसे रहेंगे आ ई e, या ओ अब बताइए ऑप्शन में ये रहेगा बताइए इनमें से हर्ष स्वर कौन सा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ओ इनमें से हर्ष स्वर है उसके बाद अगला आता है दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर क्या होता है देखिए दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दो गुना समय लगे अर्थात दो मात्रा का समय लगे इस दो मात्रा का समय लग रहा है इसलिए हम इसको द्विमात्रिक कहते हैं तो दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कहेंगे द्विमात्र कहेंगे और हस हर्ष स्वर को हम लोग क्या कहेंगे एक मात्र कहेंगे अब देखिए द्विमात्रिक दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं आ ई ए अब देखिए आप लोग कह रहे होंगे ए ए में तो देखिए ए के ऊपर मात्रा लग रही है ना एक ही मात्रा तो ये द्विमात्रिक में आएगा ए आई ओ औ और ये ये देखिए आ यहाँ पर से दोस्तों एक चीज आपको समझनी है ये आ क्या है ये ऐसे लिखा जाएगा इसको ऐसे करके दरअसल ये एक आगत या ग्रही स्वर है इसको मैं भी आपको लिखवा दूंगा ये आगत या ग्रही स्वर है इसका प्रयोग अधिकांश अंग्रेजी के सब, जो अंग्रेजी का शब्द होते हैं उनको लिखने में किया जाता है जैसे डॉक्टर डॉक्टर जैसे शब्द होते हैं इनको लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसको भी मैं अभी आपको लिखवा दूंगा फिलहाल आप लोग यहाँ पर से ये नोट करिए जो दीर्घ स्वर हैं उसमें ये आ जाएंगे ये आपको नोट कर लेने हैं देखिए आसान है याद करना इसको याद करना कोई आपको इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनानी है जिसमें देखो को कोई भी मात्रा नहीं ओ ई सी बस कोई मात्रा नहीं मतलब हरस स्वर है उसके अलावा जो भी हो जाएंगे सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे आपके बस इतना आपको याद रखना है जिसमें मात्रा आ रही देखिए सब में मात्रा आएगी यहाँ पर से सब मात्रा वाले हैं कोई बिना मात्रा वाला नहीं लेकिन इसमें से ये मात्रा वाले नहीं हैं उसके बाद देखिए स्वर आते हैं हमारे इसमें देखिए जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसी को इसका प्रयोग किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है पीलु में जैसे कि हर्ष स्वर में कम समय लग रहा था दीर्घ स्वर में उससे ज्यादा समय लगता है और प्लु स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है अब वो कैसे लगता है देखिए मान लिया कि आपको किसी को बुलाना आप लोग बोलते हैं जैसे कि ना राम श्याम इस तरीके से जब आप लोग बोलते हैं मतलब कि आप लोग किसी भी शब्द को थोड़ा सा खींच के बोलते हैं ना खींच के बोलते हैं जैसे आप लोग मान लिया किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप लोग मतलब कोई नहीं है आप लोग किसी को पुकार रहे हैं जब आप लोग पुकारेंगे ना उस नाम को आप लोग ऑटोमेटिकली आपके अंदर से होगा एकदम से राम

तो पुलु स्वर का हम लोग प्रयोग कह सकते हैं चलिए ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर देखिए अब जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पहला आता है अग्र स्वर यहाँ से दोस्तों प्रश्न बहुत बनते हैं ध्यान में रखेंगे जो आपका हर्ष स्वर है दीर्घ स्वर है पुलुष स्वर है और ये अब जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ अग्र स्वर है इसके बाद और भी स्वर हैं यहाँ ही यहीं से दोस्तों प्रश्न बनते हैं एग्जाम में देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं तीन कौन कौन से पहला आता है अग्र स्वर देखिए इसमें क्या है जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है देखिए इनको आपको रटना नहीं है आ, आप लोग कहेंगे सर इनको याद कैसे करें याद करना भी तो एक चुनौती है ना याद करना भी तो एक चुनौती है याद कैसे एक मिनट याद कैसे करें इसको मैं याद करने का तरीका भी अभी आपको बताऊंगा अब आप लोग कहेंगे इस तरीके से लिख दिया कि हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं याद कैसे करें देखिए हर्ष स्वर का तो मैंने आपको बता दिया ओ ई ओ जिसमें कोई मात्रा नहीं है वो हर्ष स्वर में हो जाएंगे बाकी सब मात्रा वाले कहाँ पहुँच जाएंगे वो सारे मात्रा वाले आपके कहाँ पहुँच जाएंगे दीर्घ स्वर में तो ये तो आपको याद हो जाएगा हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर वाला अब जो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर है यहाँ पर से थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी याद करने में लेकिन अब जो याद कैसे करेंगे आपको कोई ट्रिक नहीं अपनानी बस थोड़ा सा मेरे साथ आपको उसका अभ्यास करना है आपको याद हो जाएगा देखिए अग्र स्वर में क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है आपकी जो जीव है ना जैसे ही आप इस स्वर का उच्चारण करेंगे यहाँ पर चार स्वर लिखे हुए हैं जैसे ही आप लोग इन, इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीव है उसका जो अगला हिस्सा है वो वर्क करेगा देखिए मेरे साथ आप लोग बोलिए ई ए आपकी जो जीव है उसका अगला हिस्सा आपके दांतों में लग रहा होगा अब देखिए आप लोग बोलिए ऊ बोलिए ऊ बोलिए आ बोलिए आपका जीव जो जीभ है उसका हिस्सा दांतों में नहीं लगेगा मतलब आगे का हिस्सा जीभ का काम नहीं कर रहा है आ बोलने में आ उ बोलने में भी नहीं करेगा उ उ ऊ बोलने देखिए कोई भी आपको जीप का मूवमेंट नहीं होगा जीप के अगले वाले हिस्से में लेकिन जैसे ही आप लोग बोलेंगे ई ई आप लोग देखिए ई ई बोलेंगे आपकी जीप जो है वो दांतों से टकराएगी मतलब कि जीप यहाँ पर जीभ का जो अगला हिस्सा है वो आपका यहाँ पर मोमेंटन कर रहा है तो देखिए ई ई ए, ए, ए आई मतलब कि यहाँ पर जीभ का अगला भाग काम कर रहा है इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं अग्रस्वर कहते हैं तो इसको याद करने का तरीका यही है तो ये हो गया अग्रस्वर उसके बाद देखिए आते हैं कौन, कौन कौन से मध्य स्वर मध्य स्वर मध्य स्वर देखिए आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा मध्य स्वर कौन सा है देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है तो यहाँ पर एक ही स्वर है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा वो कौन सा है अ बोलिए अ बोलिए मेरे साथ अ देखिए बिल्कुल आपको आराम से याद हो जाएगा मध्य स्वर अब आते हैं स्वर स्वर तो और भी आसानी से आपको याद हो जाएंगे किस तरीके से देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीप का पिछला भाग काम करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं स्वर कहते हैं अब देखिए आप लोग बोलिए आ आ देखिए आपको जो, जो जोर पड़ रहा होगा वो मतलब आपकी जो गले की तरफ पड़ रहा होगा आ ऊ उ, 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 उ और ये वही वाला अंग्रेजी वाला जो अं, जो मैंने कहा था ना इसका प्रयोग अंग्रेजी में शब्दों को अंग्रेजी के शब्दों को लिखने में किया जाता है या फिर ये आगत स्वर भी हम लोग इसको कहते हैं तो देखिए इन सबको अगर आप लोग बोलेंगे इसको आप लोग रटेंगे ना या फिर इसको आप लोग किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे देखिए हमारे वहाँ पर मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से इन सबको लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएँ थोड़ी वीडियो लंबी होंगी कोई बात नहीं लेकिन आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आना चाहिए सबसे बड़ी बात यही है तो देखिए यहाँ पर मैं जो हमारे अग्र स्वर थे वो भी लिखता हूँ और जो हमारे सारे के स्वर यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे ना सारे स्वर एक साथ आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा ये देखिए अब देखिए अग्र स्वर तो ई ए, 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 ए आई मतलब जीप का अगला हिस्सा काम कर रहा है मध्य स्वर अ बिल्कुल सेंटर में आ रहा है लेकिन जब आप पश्च स्वर को आप लोग बोल रहे हैं देखिए आ उ उ, उ, आ, उ मतलब कि जीप का जो पिछला हिस्सा है वो आपका यहाँ पर वर्क कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे पश्च स्वर हो जाएंगे इनको ट्रिक से याद मत कीजिए अपने मुंह के आधार पर याद कीजिए जब आप परीक्षा में बैठेंगे ना तो आप लोग के सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एक बार उच्चारण करिए मनि ऐसी मन, आ आ, आ बोलिए देखिए पीछे आपका जोर पड़ेगा ना गले में जोर पड़ रहा है तो इसलिए इनको दोस्तों पश्च स्वर कहा गया है तो ये तीन स्वर आप लोग समझ गए होंगे अब हम लोग बात कर लेते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर जो आपका मुख द्वार यानी कि मुंह होता है उसको खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो ये होते हैं चार प्रकार के कौन कौन से विवर्त संवर्ध अर्धसंवर्ध अर्धविवर्त तो पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसको भी याद करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा देखिए जो विवर्त होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं विवर्त विवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ओपन तो इन स्वरों का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो इसमें मुखद्वार पूरा खुलेगा आ देखिए आप लोग आ बोलेंगे तो आपका मुखद्वार पूरा खुलेगा संवर्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है मतलब कि लगभग बंद रहता है ई ऊ ऊ ऊ आप लोग बोलिए ई ई मतलब आपके जो होठ हैं देखिए आ बोलेंगे तो आपके होठ कितने बड़े फैल जाएंगे आ लेकिन ई ई ऊ बोलेंगे तो आपके जो होठ हैं बिल्कुल ही बहुत कम खुलते हैं अर्ध संवर्त मतलब आधा जो है वो बंद रहेगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है ए ओ और अर्ध विवर्त हाफ ओपन मतलब कि आधा खुला जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुले ओ ए ओ तो ये होते हैं विवर्त संवर्त अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त देखिए यहाँ पर से कभी कभी तो आपसे ये पूछ लेता है कि जैसे इनकी परिभाषा पूछ लेगा कि जिन स्वरों के उच्चारण उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं संवर्ध या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं अर्ध संवर्ध ऐसे करके यहाँ से एक प्रकार से तो ऐसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुले तो उसे अर्ध विवर्त कहते हैं और आधा बंद हो अर्ध संवर्त कहते हैं तो यहां पर से एक प्रकार तो इसका यह हो गया प्रश्न पूछने का दूसरा यहां पर से जो यहां पर से स्वर लिखे हुए हैं इनको लेकर आपसे प्रश्न पूछ लेगा अब देखिए आपको इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं आपको क्या करना है इसको इस तरीके से तो पहले लिखना है सबसे ऊपर आपको लिखना है विवर्त एक मिनट कहा गया तो देखिए सबसे ऊपर आपको लिखना है क्या विवर्त फिर लिखना है संवर्ध फिर लिखना है अर्ध अर्धसंवर्ध फिर लिखना है अर्ध विवर्त इस तरीके से आपको लिखना है देखिए विवर्त और संवर्ध एक साथ लिख लेंगे फिर देखिए इसको आप लोग अगर आप लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कैसे लिखें तो देखिए सबसे ऊपर विवर्त लिखना है इसको भी मैं आपको बताता हूँ अगर आप लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाएंगे मुझे पता है कि इसकी सीरीज भी कैसे सेट करें तो आपको ऐसे सेट करनी है सबसे ऊपर अगर आपने विवर्त लिखा है तो उसके नीचे उसका उल्टा लिखेंगे अर्धविवर्त उसके बाद आपने संवर्त लिखा है तो उसके विपरीत लिखेंगे अर्ध अर्धसंवर्त ऐसे तो आप लोग कर लेंगे ना ऐसे मुझे यकीन आप लोग कर लेंगे सबसे ऊपर अगर विवर्त लिखा है तो उसके सबसे नीचे अर्ध विवर्त लिखा है विवर्त के बाद अगर संवर्थ लिखा है तो उसके नीचे क्या लिखा है अर्ध अर्धसंवर्त लिखा है बस इतना आपको याद रखना है अब देखिए विवर्त यहाँ पर से आपको किस तरीके से इन चीज़ों को याद करना देखिए आपको अब यहाँ पर से अपनी जो ओ आ ई ई जो है इसके आधार पर चलना है देखिए सबसे नीचे ओ आ जाएगा और सबसे ऊपर आ जाएगा इतना तो याद रहेगा ही ना आपको सबसे ऊपर और सब देखिए ट्रिक अगर कोई फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा तो आपको कष्ट देना ही पड़ेगा सबसे नीचे अगर ओ आ रहा है तो सबसे ऊपर क्या जाएगा? आ जाएगा आ आ जाएगा ठीक है इतना समझ गए सबसे नीचे ओ सबसे ऊपर आ आ के बाद क्या आता है ई आता है फिर क्या आता है फिर ई आता है फिर ओ फिर ओ छोटाई छो, बड़ाऊ छोटाई बड़ा ई छोटा उ बड़ाऊ समझ गए ओ आया कितना आसान है देखिए ओ आया फिर आया फिर ई सीरीज फॉलो कर दीजिए बस यहाँ तक समझ गए ओ आ ई ई ऊ फिर क्या आता है ऊ के बाद ए आता है ए आता है ए के बाद क्या आता है ई आता है देखिए ए यहाँ पर लिखना है ए अगर यहाँ लिखा है तो ई इसके नीचे लिख देना है फिर ऊपर जाएंगे ओ अगर यहाँ लिखना है तो औ यहाँ लिख देना है बस इतना आपको करना है इस सीरीज को आप लोग फॉलो कीजिए इतना सा आपको करना है आपको याद हो जाएगा क्योंकि इस इस तरीके से अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे ना तो एग्ज़ाम में दोस्तों ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा टफ़ रहता है क्योंकि यहाँ पर सब एक जैसे लगते हैं एग्जाम में लेकिन अगर आपने चार पाँच दिन इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो यकीन माने आप इस चीज़ को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे फिर से बता रहा हूँ सबसे नीचे ओ आएगा उसके सबसे ऊपर आएगा आके बाद ई आता है ई के बाद फिर ई छोटा ई बड़ाई छोटाऊ बड़ाऊ ऊ के बाद क्या आता है ए, ए आई आता है आई के नीचे ओ ए, ए फिर आ, आई, फिर ओ फिर औ बस इतना आपको याद रखना है इतनी आसानी से दोस्तों ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी इससे बेहतर तरीका इसको याद करने का और कोई नहीं है तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे तो होटों की स्थिति जो हमारी क्या थी ये हमारी जो कौन सी स्थिति हमने पढ़ी थी अभी तो ये हमने पढ़ी थी मुख द्वार खुलने के आधार पर मतलब जो हमारा मुख द्वार खुल रहा है उसके आधार पर हमने स्वर पढ़ लिए अब हम लोग देखते हैं होटों की स्थिति के आधार पर स्वर जो हमारे होठ है ना जब हम लोग देखिए इसका मतलब आप लोग समझिए यहाँ पर जितने भी स्वर मैं बता रहा हूँ होठों की स्थिति के आधार पर स्वर मतलब जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जो होठ हैं उनका आकार कैसा हो रहा है तो यहीं पर देखिए होठों की स्थिति के जो आधार पर स्वर हैं वो कितने हैं दो हैं देखिए पहला आता है अवर्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वर्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपके जो होठ हैं वो गोलाकार या फिर वर्तमुखी नहीं होंगे देखिए आ ओ आई ई ए आई मतलब गोलाकार नहीं हो रहे हैं इसमें तो आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है अगर आपके ऑप्शन क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए अवर्तमुखी आपको सीधे सीधे उस स्वर को आपको बोल के देखना है अगर आपके होठ गोल हो रहे हैं तो इसका मतलब वो वर्तमुखी है अगर नहीं हो रहे हैं तो अवर्तमुखी है तो वर्तमुखी जो है वो कैसा देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में होठ होट या गोलाकार होते हैं अब देखिए ऊ ऊ औ ये जितने भी हैं देखिए इनको बोलने में आपके जो होठ हैं वो गोलाकार हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई ट्रिक फॉलो नहीं करनी है यहाँ पर आपको बस बोल के देखना है और आराम से आपके सामने उत्तर आ जाएगा तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे होठों की स्थिति के आधार पर उसके बाद देखिए हवा के नाक व मुँह से निकलने के आधार पर स्वर तो देखिए हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी दो स्वर हैं कौन कौन से एक आता है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर और दूसरा आता है अनुनासिक स्वर निर्नुनासिक क्या है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है यहां पर से सिर्फ और सिर्फ हवा मुंह से निकलेगी याद रखेंगे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है किन स्वरों के उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा निरनुनासिक स्वर में अब देखिए इसमें आते हैं सभी हमारे स्वर ओ आ ई ऋ ऋ ऋ ऋ ऋषि ए, ए, उ, 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 ए आ, इ, जितने भी हैं ओ औ सभी आ जाएंगे इसमें हमारे निरनुनासिक में सभी के सभी आ जाते हैं लेकिन जो अनुनासिक है उसमें क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है इसमें अंग आह अब जैसे इसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं जैसे कि हंसना आँख देखिए अंग आह आप लोग खुद बोल के देखिए एक बार तो आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि जो आपकी नाक से भी इसमें हवा निकल रही है तो अनुनासिक में क्या होता है मुख और नाक दोनों से यहाँ पर किसी स्वर का आप लोग उच्चारण करेंगे तो हवा निकलेगी लेकिन निरुनाश निरुनाशिक में क्या होता है हवा सिर्फ आपके मुंह से निकलेगी बोल के देखिए ना ओ आ ई ई उ, उ नाक से देखिए कोई हवा नहीं निकल रही है जैसे आप लोग अंगह अंगह बोलते हैं देखिए आपके जो नाक में वाइब्रेशन होगा अंगह बोलिए हल्का सा आपके नाक में वाइब्रेशन होगा ये हंसना आंख इनमें सब में क्या होता है नाक से हवा निकल रही है तो ऐसे प्रश्न दोस्तों अगर आप एग्जाम में बन जाए तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है अनुनासिक में मुख और नाक का दोनों का प्रयोग होता है ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं अब देखिए एक बात और कभी कभी इसमें क्या होता है कि इसको भी अनुनासिक मान मैं यहाँ पर सरसों लिखता हूँ सरसों इसको भी कभी कभी अनुनासिक में गिन लिया जाता है ऐसा तब होता है जब यहाँ पर क्या होता है कोई मात्रा के साथ ये बिंदी आती तो इसको भी कभी कभी अनुनासिक मान लिया जाता है सरसों के साथ अब देखिए आप लोग एक बार सोचिए अगर मैं यहाँ पर से ऐसी बिंदी लगाता हूँ ये सरसों तो इसमें मज़ा नहीं आएगा ना ही दिखने, दिखने में अच्छा लगेगा और ऐसा होता भी नहीं है तो इसके लिए क्या है कभी कभी इस मात्रा के साथ हाँ सिर्फ मात्रा के साथ ये बिंदी का हम लोग अनुनासिक में प्रयोग कर सकते हैं अगर हमको सिर्फ बिंदी का प्रयोग अनुनासिक के रूप में करना है तो वहाँ पर इसका प्रयोग मात्रा के रूप में होता है कभी कभी ऐसा भी होता है अब देखिए ये तो हमारे स्वरों की पूरी बात हो गई स्वर जिस जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए और कैसे आपको याद करना है वो भी मैंने आपको बताया अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये मैंने आपको बताया ना ये जो है ये क्या है यह एक आगत ध्वनि है क्या है अगर क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि भैया बताओ इनमें इनमें से कौन सी आगत ध्वनि है अब बताइए आप क्या उत्तर करेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आ जो ये चंद्र बिंदु वाला लगा हुआ है ना ये आ आनी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है जैसे डॉक्टर कॉफ़ी क्वेश्चन अगर बन जाए कि इसका प्रयोग कैसे शब्दों को लिखने में किया जाता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अंग्रेजी के जैसे शब्दों को जैसे डॉक्टर हो गया कॉफ़ी हो गया इसका प्रयोग किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा एक आगत ध्वनि हो जाएगी चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा और है उसके बाद जो हमारे स्वर हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं कवर हो जाएंगे हलंत देख लेते हैं हलंत ये देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है हलंत कहीं कहीं पर इसको दोस्तों हल भी लिखा जाता है हल तो ये इसको अधिकांश हलंत ही बोला जाता है हलंत को समझना बहुत आवश्यक है जो आप लोग वाक्य विन्यास करते हैं ना किसी वाक्य को जैसे मान लिया कौ है कौ को आपको आप तोड़ना है तो आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं इस तरीके से ना तो यही तो हलंत हैं इसको समझिए देखिए तो हलंत देखिए जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हलंत चिन्ह ऐसा होता है ऐसा लिखते हैं ना मतलब नीचे से ऐसा इस तरीके का हलंत चिन्ह होता है तो यहाँ पर से समझिए जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं व्यंजन क्या है हमारा ये क्या है व्यंजन है ये क्या है हम समझेंगे उदाहरण के साथ साथ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है परिभाषा के साथ साथ ही देखिए जब व्यंजन वर्ण ये हमारा व्यंजन वर्ण है व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं मतलब कि स्वर के बिना लिखे जाएंगे ये इस तरीके से जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत का प्रयोग किया जाता है ये मैंने यहाँ पर इसको स्वर के बिना लिखा है व्यंजन को तो जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं तब हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर हम लोग कह सकते हैं व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा हलंत अगर ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो नब्बे परसेंट बच्चे इसका उत्तर गलत करके आते हैं आएंगे भी क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना हल्के ले लेते हैं हिंदी को तो व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अब देखिए और एक बात और जब व्यंजनों को स्वर रहित करते हैं तो कौन जैसे मैंने आपसे कहा ना जैसे ये, ये है देखिए कौ है तो कौ के नीचे हम लोग हलंत लगा देंगे और अ तो ये हमने इसको क्या कर दिया स्वर रहित कर दिया मतलब कि कौ में यदि अस्वर जोड़ दिया जाए तब क्या होता है जैसे मतलब कौ है ये देखिए आप लोग देख रहे हैं कौ है इसको अगर हम लोग स्वर रहित करेंगे तो हम लोग इसको इस रूप में लिखते हैं ना तो ये चीज़ तुम आपको समझा रहा हो तो व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा हलंत का प्रयोग किया जाएगा उदाहरण मैंने आपको समझा ही दिए हैं देखिए जैसे मान लिया ख है ख है इस व्यंजन को हमको स्वर रहित लिखना है तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ये मतलब कि हम लोग यहाँ पर हलंत का प्रयोग करेंगे नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे ख में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी चलिए उसके बाद और चीज़ देखते हैं अनुनासिक यहाँ पर से आपको चिन्ह यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों इनको आपको समझना है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं देखिए जो अनुनासिक का आपका चिन्ह होता है वो ऐसा चिन्ह होता है जैसे कि इसका उदाहरण है आँख आँख हो सकता है ये एक एक उदाहरण भी मैं यहाँ पर से आपको देते हुए जाऊँगा ताकि आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो तो अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है यहाँ पर से प्रश्न ऐसे बनता है चार ऑप्शन रहेंगे ये यह यहाँ पर देखिए इनको आप लोग ऑप्शन मानिए एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन ये, ये, ये और एक ऑप्शन ये चार ऑप्शन है इनमें से आपसे पूछा जाएगा बताइए किसमें यहाँ पर से अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आँख में ऐसे ही और भी जो है जहाँ पर ये चिन्ह लगा हो जिस भी शब्द में तो वो अनुनासिक का वहाँ पर प्रयोग होगा फिर देखिए अगला आता है अनुस्वार अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है ये, ये वाला खाली बिंदु इसका उदाहरण है अंत यहाँ पर भी सेम ऐसे ही प्रश्न बनेगा चार ऑप्शन रहेंगे बताइए इनमें से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अंत अंत हो सकता है या कंस हो सकता है या फिर हंस हो सकता है कुछ भी हो सकता है पतंग हो सकता है तो यहाँ पर से खाली जहाँ पर बिंदी लग रही है तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है उसके बाद आता है विसर्ग विसर्ग का चिन्ह ये होता है इसका उदाहरण है प्रातः प्रातः हो सकता है या अतः हो सकता है या प्रायः हो सकता है तो यहाँ पर से अगर जिस भी शब्द के पीछे ऐसे हमारे चिन्ह लगे हो तो वो क्या हो जाएगा विसर्ग इसका प्रयोग अधिकांश संस्कृत में होता है फिर देखिए हलंत हलंत का चिन्ह इस प्रकार से होता है उदाहरण देखिए मिट्टी या चद्दर तो यहाँ पर से इस प्रकार से हलंत का चिन्ह ये हो जाएगा मिट्टी और न, हलंत का चिन्ह ये हो जाएगा और इसके ये हैं उदाहरण उसके बाद देखिए आगत स्वर कौन सा है हमारा यहाँ पर ये हमारा आगत स्वर है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है देखिए संयुक्त स्वर अगर आपसे पूछ ले हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं तो ए आई ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर हैं क्योंकि ये दो स्वरों से बनते हैं जैसे देखिए जो ए है हमारा ए आई ओ और औ ये दो देखिए औ है ओ में क्या होता है कि ये सिर्फ एक ही इसमें किसी स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन जो लेकिन जो क्या है ए है आई है ए आई ओ औ इसमें क्या है दो स्वरों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि देखिए औ धन ई से बनता है ए और ओ धन ए से बनता है आई औ धन ऊ से बनता है ओ ओ धन ओ से बनता है औ तो इसीलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है तो ए आई ओ औ का हम लोग क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं ये प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फिर आते हैं मूल स्वर सबसे पहले देखिए कहा जाता है कि सबसे पहले हमारे हिंदी में यही स्वर आए थे ये हिंदी में इनको मूल स्वर कहा जाता है मूल स्वर इसलिए कहा जाता है देखिए ये मूल हैं इनका इनके लेखन में किसी अन्य चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर अ है तो अ है ई है तो ई है ओ है तो ओ है बस और ऋषि तो ये हमारे हिंदी में मूल स्वर हैं इनको कहा जाता है मूल स्वर ओ ई उ ऋषि तो मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मूल स्वर कहते हैं और संयुक्त स्वर में क्या है मैंने आपको बता ही दिया संयुक्त स्वर मूल स्वर ये चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है तो ये दोस्तों हमारा स्वरों वाला आज हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ अब अगला हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों वाला चैप्टर वीडियो को दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं जैसे कि जो भी आपकी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ जाइए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों नीचे दिया हुआ है अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं तो दोस्तों ये आज आपकी सौरों वाली वीडियो कम्प्लीट हुई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए मैं कोशिश करूँगा और उसको अच्छे तरीके से समझाने की तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए